हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग यूटिलिटी देखेंगे, एक स्पेसिंग जिसका कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको मार्जिन और पेडिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि बूटस्ट्रैप में मार्जिन और पेडिंग को लेकर क्या हमें मिलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वैसे आप सिंपली जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं मार्जिन और पेडिंग CSS का इस्तेमाल करके, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको छोटा सा एक क्लास लिखना पड़ता है पेडिंग और मार्जिन देने के लिए, बट लिमिटेड है। अगर आपको इससे ज़्यादा और मतलब फीचर वाला मार्जिन चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा साइज चाहिए होगा, तो फिर आपको अपना खुद का डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर इसके सोर्स में जाकर आपको उसको डिफाइन करके रखना पड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए। सो ज़्यादा एडवांस में नहीं जाते हैं, और यहाँ बात करते हैं स्पेसिंग की, जिसमें आप मार्जिन और पेडिंग दे सकते हैं इसके बूटस्ट्रैप के क्लासेस का इस्तेमाल करके। मैं यूज़ करूँ इसको और आपको बताऊँ कि क्या क्या क्लासेस हमारे पास हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो साइज़ डिफाइन किए गए हैं वो रैम में डिफाइन किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ जो साइज़ डिफाइन किए गए हैं, थोड़ा सा नीचे अगर मैं आता हूँ, तो उसको डिवाइड कर दिया गया है 0 से लेकर 5 तक के बीच में, या फिर आप कहें कि रेट कर दिया गया है 0 से 5 तक के बीच में। 0 जब आप देते हैं तो उसका अर्थ होता है 0 रिम, 1 का अर्थ होता है 0.5 रिम, और 5 का अर्थ होता है 3 रिम। 1 रिम बराबर होता है 16 px, 1 रिम बराबर होता है 16 px। तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना किस तरीके से डिवाइड हुआ, यानी कि 3 है मैक्सिमम, तो ये आपका 48 px का है। मतलब आप 3 लिखते हैं तो आप एक्चुअली में उस फॉन्ट का या फिर उस एलिमेंट का जहाँ भी आप साइज़ डिफाइन कर रहे हैं उसमें आप साइज़ डिफाइन कर रहे हैं 48 px। क्लियर है? अब वापस से ऊपर आते हैं। यहाँ दिया गया है मार्जिन के लिए शॉर्ट एक लेटर में कि एम लिखिए और आप मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। पैडिंग के लिए सिर्फ एक छोटा सा लेटर दिया गया है पी, और आप पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ दिया गया है टी फॉर टॉप। अगर आपको मार्जिन टॉप डिफाइन करना है तो आप एम टी लिखिए और साइज दीजिए। उस तरीके से आप मार्जिन टॉप में डिफाइन कर सकते हैं कि कितना चाहिए। उस तरीके से मार्जिन बॉटम में चाहिए तो एम बी लिखिए। अगर मार्जिन लेफ्ट चाहिए तो एम एल लिखिए। मार्जिन राइट चाहिए तो एम आर लिखिए। अगर मार्जिन राइट और लेफ्ट दोनों में चाहिए तो एम एक्स लिखिए। अगर आपको टॉप और बॉटम दोनों लिखना है तो आप एम वाई लिखेंगे। उस तरीके से पी में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर पी पैडिंग अगर टॉप में चाहिए तो पी टी लिखिए, अगर पैडिंग अगर बॉटम में चाहिए तो पी बी लिखिए, और यहाँ बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और अब साइज़ 0 से 5 तक दे सकते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं, जो हम लोगों ने समझा है, उसके बाद आगे हम लोग बातें करेंगे। यहाँ मैंने कुछ कोड लिख के रखा है पहले से, जिससे कि मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ कुछ भी नया नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ मैंने एक डिव बनाया है जिस पर मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, और बॉर्डर का मैंने कलर दे दिया है बॉर्डर प्राइमरी। इसके अंदर मैंने एक डिव बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, डमी टेक्स्ट, और इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है वार्निंग, जो भी आपने देखा। इसको सेव करते हैं, और इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ कोई भी पैडिंग सेट नहीं है, कोई भी मार्जिन सेट हम लोगों ने अभी नहीं किया है, कोई भी क्लास वैसा ही इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लासेस को जो हमें मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन कैसे आप सेट कर सकते हैं चारों तरफ। अगर चारों तरफ आपको यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करना है, तो जिस कंटेंट में करना है उसके क्लास में जाकर आपको लिखना है एम, और कितना साइज़ देना है, मैंने मैक्सिमम साइज़ दे दिया 5। सेव कर दिया, और इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ आपको मार्जिन क्लियरली दिखाई देगा। देखिए मार्जिन 5 टॉप से, 5 लेफ्ट से, 5 राइट से, और 5 बॉटम से। 5 मतलब 5 रिम की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 5 रिम नहीं है, रेटिंग है वह 0 से 5 तक, लेकिन ये 3 रिम है इसका साइज़। 3 रिम मतलब 48 px। तो 48 px इधर से, 48 px इधर से, 48 px इधर से, और 48 px इधर से। अगर आपको सिर्फ टॉप में मार्जिन चाहिए तो आप यहाँ इसमें एम टी लिखेंगे, एम टी 5, तो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप में मार्जिन मिलेगा। यहाँ देखिए सिर्फ टॉप में मार्जिन है और बाकी सारा मार्जिन हमारा गायब हो गया। इस तरीके से सिर्फ बॉटम में चाहिए और बाकी में नहीं चाहिए तो यहाँ आप एम बी लिख सकते हैं। इसको सेव करते हैं, और इसको आप रिफ्रेश कीजिए तो आपको बॉटम में 3 रेम का मार्जिन मिलेगा। अगर आपको लेफ्ट और राइट में चाहिए तो आप एम एक्स लिखते हैं, इससे आपको लेफ्ट और राइट में मार्जिन देखने को
मिलेगा, एक्स लिखने से लेफ्ट और राइट में होता है, उसी तरीके से वाई लिखेंगे तो टॉप और बॉटम में मिलेगा। चलिए मैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ। सेव किया मैंने वाई लिखकर, उसके बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ टॉप और बॉटम में 48 px का यानी कि 3 रैम का मार्जिन देखने को मिलेगा। ये तो बातें हो गई मार्जिन की, लेकिन पैडिंग, पैडिंग बिल्कुल सेम काम करता है, बस आपको एम की जगह क्या करना है, पी करना है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और डिफॉल्ट ले आता हूँ। इसको वापस से सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट ये चलाता है। अभी मुझे पैडिंग सेट करना है, मान लीजिए चारों तरफ, तो मैं क्या करूँगा, पी लिखूँगा और डैश देकर मैं 5 लिख दूँगा, तो ये मुझे पैडिंग देगा चारों ओर। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ आपको चारों ओर पैडिंग देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मुझे सिर्फ टॉप में अगर पैडिंग चाहिए तो मैं पी टी लिखूँगा, पैडिंग टॉप इसका मतलब होगा, और ये मुझे सिर्फ टॉप में पैडिंग करके देगा, ये सिर्फ टॉप में पैडिंग। इस तरीके से आपको लेफ्ट और राइट में चाहिए तो आप पी एक्स लिखिए तो आपको टॉप में नहीं, सॉरी टॉप में नहीं, लेफ्ट और राइट में मिलेगा पी एक्स लिखने से। रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे लेफ्ट और राइट में आपको पैडिंग मिल रहा है। उसी तरीके से अगर बॉटम और टॉप में चाहिए तो पी वाई आप लिखेंगे। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बॉटम और टॉप में आपको पैडिंग मिल रहा है। तो ये होता है मार्जिन और पैडिंग लिखने का तरीका और इनकी क्लासेस को यूज़ करने का तरीका बूटस्ट्रैप में। इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अगर उसको भी देखें हम लोग बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग। अगर हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। ओके, इसको पेस्ट करते हैं। इसमें आपने MX ऑटो डिफाइन किया है, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको सेंटर में लाने के लिए। इसमें विड्थ देना जरूरी होता है 200 px। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो कंटेंट है आपका एकदम आपको सेंटर में दिखाई देगा। ठीक, इसमें मैं आपको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है। बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेव करते हैं और आप देखेंगे इसका पूरा जो एरिया होगा वो आपको वही क्लियरली दिखाई देगा। देखिए एक्चुअली में ये यहाँ से यहाँ तक का विड्थ डिफाइन किया हुआ है और ये इस तरीके से सेंटर आपको दिखाई, फिक्स्ड विड्थ पर ही काम करता है। ठीक है, हम लोगों ने फिक्स्ड विड्थ दिया हुआ है 200 px, इसका अपना विड्थ है और आपको ये क्लास इस्तेमाल करना पड़ेगा, MX ऑटो लिखना है और आपको ये इसका विड्थ डिफाइन करना है। हालांकि इससे बेहतर तरीका है कि आप टेक्स्ट सेंटर का इस्तेमाल कर लीजिए, जो क्लास है हमारे पास उसका भी यूज़ करके आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। ओके, सो सेंटर में करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने स्पेसिंग में देखा मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं आप और पैडिंग कैसे सेट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के क्लासेस का इस्तेमाल करके आसानी से। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो सीखा है CSS में उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बूटस्ट्रैप आपके काम को आसान बना देता है पहले से डिफाइन करके चीज़ों को, और आपको एक छोटा सा क्लास प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो जो पहले से आपने सीखा है, जो प्रॉपर CSS का कोड है, वो तो काम करेगा ही करेगा पूरे बूटस्ट्रैप में, पूरे आपके वेब पेज में कहीं भी। लेकिन बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि आपके काम को और आसान बनाने का काम करता है। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।